आबाद से अगरतला तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीन सोयाबीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा, ये जानकारी एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज में दी गई है। इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीहगंज खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक ग्रीन हाउस को बढ़ावा देगा। देश के स्वास्थ्य विकास के लिए स्थिर कृषि उत्पादन तथा ग्रामीणों की आय को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी सिकुड़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र चुनौतियों से जूझ रहा है। चीन हालांकि लंबे समय से खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता आ रहा है और वर्ष 2020 के आरंभ में देश में शुरू हुई महामारी के बाद से यह विषय नीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। बता दें, चीन को विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक माना जाता है। चीन का घरेलू सोयाबीन उत्पादन पिछले वर्ष स्थानीय खपत की तुलना में काफी कम पड़ गया था, क्योंकि किसानों ने इस प्रमुख तिलहन फसल की बजाय मक्की की बुआई को प्राथमिकता दी थी। अनाज उत्पादन को स्थिरता प्रदान करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों के साथ साथ बीजिंग को गेहूं की सामान्य की अपेक्षा देरी से की गई बुआई की दृष्टि से प्रतिकूल असर से निपटने और मक्की आधारित ईंधन एथेनॉल उत्पादन पर सख्ती से नियंत्रण करने जैसे कदम भी उठाने होंगे। घरेलू कीमतों में उछाल आने तथा स्टॉक घटने के कारण पिछले वर्ष चीन का मक्का आयात उछलता हुआ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि पिछले वर्ष के दस्तावेज में जहां आयात का व्यवधिकरण किए जाने की जरूरत का आह्वान किया गया तथा वहीं इस वर्ष की योजना में आयात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।